सितंबर में करेंगे एमपी स्वनिधि योजना की शुरुआत। तैयारी में जुटी शिवराज सरकार, जनता को मिलेगा लाभ। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ विकास कार्यों का किया उद्घाटन। सीएम शिवराज से अचानक मुलाकात करने पहुंच गए कमलनाथ, मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। नगरनाग स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने पर सीएम बघेल का पीएम मोदी को खत, निजीकरण को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 3,807 करोड़ 46 लाख का पहला अनुपूरक बजट पारित, सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मस्तूरी में मूलभूत सुविधाओं से दूर ग्रामीण जान हथेली में लेकर रास्ता पार करने को मजबूर, सड़क की समस्या के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुख करते हैं खबरों का। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शोध पत्रिका विधायन के नवीनतम अंक का विमोचन किया है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विधानसभा पर केंद्रित वृत्त चित्र का भी विमोचन करते हुए इसकी डीवीडी जारी करी है। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य की एक बार फिर से सराहना करी है। नीति आयोग ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल आकांक्षी नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में गांव के शिक्षित युवा युवतियों की सामुदायिक सहायता से संचालित पढ़ाई तुहर दुहार योजना की सराहना करते हुए यहां सामुदायिक भवन और घर के बरामदे में कोविड 19 के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। नीति आयोग ने नारायणपुर जिले में राज्य शासन की पढ़ाई तुहर गुहार योजना अंतर्गत कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की प्रशंसा करी है। अपने आधारित ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से कोरोना के इस विषम परिस्थिति में भी बच्चों तक सुलभ और सुचारू शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के रूप में पढ़ाई तुहर दुहार जैसी महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभ मिला है। कृषि विभाग ने किसानों को लाभान्वित किया है। योजना के लाभ मिलने के पश्चात किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट गई है। अधिकारी ने बताया है कि रायगढ़ जिले में लगभग 1 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं जिनको इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसकी प्रथम किस्त किसानों के खातों में जमा हो चुकी है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। लाभान्वित करने के लिए 100% किसान को किया है। हम लोगों के ज़िले में पूरा किसानों को पंजीयन हो गया है, 100% हो गया है। और जिसकी कमी जो आधार कार्ड का हो या बैंक अकाउंट का कुछ त्रुटि है, उसको सुधार का काम अभी जोरों पर चल रहा है और उसके बाद कुछ लोग को किस्त मिलेगा। लेकिन वर्तमान में हमारे ज़िले में जितना पंजीयन हुआ है, शादी हो या फिर सगाई या फिर नामकरण संस्कार, इन सभी मांगलिक कार्यक्रमों में चार चांद लगाने वाले इन दिनों खुद बेरंग घूम रहे हैं। दरअसल बीते 5 महीने से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पेड़ माल, लाइट डेकोरेशन आदि व्यापार करने वाले लोगों के व्यापार पर शासन प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे जिले भर के माल, लाइट, कैंटरिंग सहित अन्य व्यापार करने वाले कर्मचारी और व्यापारी जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए और शासन प्रशासन से नियमों में शिथिलता बरतने और उन्हें रोजगार देने की मांग करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली गई है। अनुविभागीय अधिकारी सहित कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है।
प्रावधान है, जैसा कि आदेश है कि 50 आदमी में 100 आदमी में शादी करना है, तो वहाँ एक छोटी सी भूमिका जैसे साउंड वाले की रहती है, अगर साउंड बसता है तो उसमें क्या दिक्कत होनी है? गांव-गांव में छट्टी का प्रोग्राम होता है, आज छट्टी के प्रोग्राम में भी हमको ये समझ में नहीं आता कि छट्टी का प्रोग्राम है कि मरनी का प्रोग्राम है। आपको पूछना पड़ेगा कि भैया छट्टी है कि मरनी है। आज वही साउंड सिस्टम बसता है तो आज गांव-गांव वालों को उसमें काम मिलता, 500 700 हजार रुपए भी उनको अगर मिलता तो कम से कम वो आज अपनी रोजी रोटी कमा लेते। और गांव के गांव में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि लगाने में उसमें कोई समस्या होनी चाहिए। हम लोगों को 5 माह से जो हमारा काम बंद है, और जितने भी टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, और इनसे जुड़े जितने हमारे वर्कर भी हैं, मजदूर हैं, वे सब अभी भूखे मरने के कगार पे हैं। 5 माह से हम लोगों को कोई काम मिला नहीं है ना। ये लाखों लाखों का सामान लेके हम लोग अपने पास रखे हैं, वो कबाड़ी की तरह पड़ा हुआ है। इस पर सरकार हमारा कोई ध्यान दे नहीं रहा है। सरकार होटल खुलवा दिया, सरकार माल खुलवा दिया, सरकार कपड़ा दुकान खुलवा दिया, सरकार सब्जी खुलवा दिया, सब जितने भीड़ जहाँ जहाँ लगते हैं वो सब दुकान तो खुलवा दिए, फिर हम साउंड लाइट और टेंट वालों को क्यों नहीं सरकार मदद कर रहे हैं? कुरुद विधानसभा के ग्राम पंचायत परसट्टी में हर साल लगभग 150 एकड़ में धान की फसल लगाई जाती है, लेकिन उसमें से 50 एकड़ धान की फसल काटने योग्य रहती है, बाकी सब फसल बारिश की वजह से हर साल खराब हो जाती है। इसके बारे में किसान कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों को कोई लाभ नहीं पहुँच पाया और हर बार की तरह किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मसूरी क्षेत्र में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से हो रही बारिश शासकीय भवन तालाब में तब्दील हो चुका है। कमरे तक घुसा पानी सभी शासकीय कार्यों को बंद करना पड़ गया। नदी नालों के उफान से कई गांवों में पानी घुस गया, जहां रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आमनेर, पिपरिया और मुस्का तीनों ही नदियों में सीमाएं लांघती हैं। आमनेर पर बने प्रधान पट बैराज के 3 गेट खोल दिए गए हैं, जिसमें से 20,000 क्यूसिक पानी को निकाला जा चुका है। बैराज के 1 गेट पहले से डैमेज है। इधर नगर इतवारी बाजार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। किला पारा, शिव मंदिर और नया टिकरा पारा का संपर्क भी कट चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लक्षणा से लेकर के धनगांव तक गांव किनारे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह बाढ़ की स्थिति पर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। बीते 36 घंटे से बालोद जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां और नाले उफान पर आ गए। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर घरों में भी पानी भर चुका है। बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम में पानी में 36 घंटे की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। आधा दर्जन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण उन्हें स्कूल का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ पीड़ित तो लोगों का कहना है कि खाने पीने में भी दिक्कतें हो रही हैं। शासन प्रशासन व पंचायत से अब तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है। प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रायपुर में भी खरून नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं जसपुर, धमंतरी और अन्य जगहों पर मकान गिर चुके हैं। बिलासपुर में भी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। तालाब भर जाने के कारण पानी सड़क पर बह रहा है। शहर में कई स्थानों पर सड़क धंसने लगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। रायपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें।
रायपुर में भी खारून नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में पानी भरा, नेशनल हाईवे डूबा। रायपुर बालौदा बाजार, रायपुर जबलपुर मार्ग बंद। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रायपुर में कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर गया है। इसके कारण बालौदा बाजार रायपुर के बीच आवागमन बंद हो गया है। वहीं करवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। राजधानी रायपुर में भी मंगलवार रात में बारिश हो रही है। हालात ये है कि 3 दिन में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त माह में इस साल लगातार सबसे ज्यादा समय तक होने वाली बारिश है। शहर के हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के पहले तैयारी को लेकर किए गए दावों की पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं और तालाब ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गए हैं। घरों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं कमहाटी तालाब का पानी घरों में घुस गया है। बेमेतरा में मानसूनी तंत्र के मजबूत होने से छत्तीसगढ़ में दिनभर बारिश हुई। बुधवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक जारी रहा। प्रदेश के ग्रामीण अंचल के नाले नालियों में उफान पर आ गए हैं। बेमेतरा जिले में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। देवकर के सुही नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत इलाके सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से अस्त व्यस्त का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि देवकर के सुरही नदी पुल के ऊपर 5 फीट पानी हो चुका है। नगर के कई वार्डों में घरों में पानी घुस चुका है। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं तबाही का ये मंजर। देवकर नगर पंचायत और निचली बस्तियों के घरों में भी पानी भर चुका है। सुरही नदी का पानी जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे बेमेतरा दुर्ग मार्ग बंद हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से बस्तियों में भी पानी भर चुका है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अड़तालीस घंटे की मूसलाधार बारिश ने जिला मुख्यालय से लगा ग्राम पनगांव के मगरचबा के 80 घरों में डूब चुका है, जिन्हें रेस्क्यू करके जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों को मुख्यालय के मंडी प्रांगण में रखा है। आपको बताते चले कि 2 दिनों से लगातार हुई बारिश अब ग्रामीण किसानों के लिए आफत बन चुकी है। एक तरफ मुख्यालय से लगा कोसी नाला अपने चरम स्तर से ऊपर बह रहा है, तो वहीं इसका पानी सटे ग्रामों को डुबा कर रख दिया है। हालांकि प्रशासन ने लगभग 80 परिवारों को सुरक्षित मंडी में रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन परिवारों के मकान डूबने से इन्हें आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि संयुक्त कलेक्टर अरविंद पांडे ने आरबीसी के तहत क्षतिपूर्ति आपदा राशि देने की बात भी कही है। डूबने की स्थिति है, वहाँ पर नगर सेना और राजस्व हमले के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। मगरचबा पहंदा ग्रामों के लोगों को लाकर राहत शिविरों में ठहराया गया है और बाढ़ क्षति का आकलन अभी जारी है, क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद क्षति का आकलन करके आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार क्षतिपूर्ति राशि भी दी जाएगी। खंडवा में ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गांव जामठी के शहीद फौजी मनोज गोलकर का स्कूल प्रांगण में स्मारक निर्माण का गुरुवार को विधायक राम दांगोरे ने पहुंचकर भूमि पूजन किया है। विधायक दांगोरे ने बताया कि लगभग 10 लाख की लागत से स्मारक का निर्माण किया गया है। स्थान भाव के चलते स्मारक निर्माण में देरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल परिसर में स्मारक निर्माण के बाद बहुत लाभ होंगे और स्कूल भवन के पास बाउंड्री वॉल, गार्डन जैसे कई कार्य कुछ विधायक तो कुछ पंचायत और अन्य मदों से स्वीकृत करवाए जाएंगे। मनोज भाई बोलकर क्योंकि सेना में तैनात थे, वो असमय हमें छोड़कर चले गए। उनकी
स्मृति में हम लोग यहाँ पर स्मारक बनाने के लिए जा रहे हैं। पहले जामठी में कोई स्थान नहीं मिल पाया, फिर सभी की सहमति से पंचायत के प्रस्ताव लेकर के स्कूल के पास में एक स्थान मिला है, वहाँ पर आज भूमि पूजन का कार्यक्रम करा है। मंडला के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 अंशोनिया के पास दो ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक बुरी तरीके से ट्रक में फंस गया। जानकारी मिलते ही मौके पर अंशोनिया चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद नकपुरे अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर ट्रक से फंसे ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, फंसे चालक को नहीं निकाला जा सका। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों के फसलों को भारी नुकसान हो गया है। वहीं आज देवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां किसानों से मुलाकात करी और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखा देते हैं। तो मानने वाले नहीं यार, इनसे तो कर लो भाई, मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना, और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले, माइक देखते तो परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से, किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है, फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा। कर दो, आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा, उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाए। जहाँ पर पूरी फसल मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो, अरे मोबाइल के अंदर तो मानने वाले नहीं यार, इसे तो कर लो भाई, मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना, और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले, माइक देखते तो परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से,
किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है, फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा, उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बिछ गए बिसात। बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर खोले पत्ते। हाथ का खेल बिगाड़ सकता है हाथी। ईसी ने अब तक नहीं किया मतदान की तारीखों का ऐलान। एमपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। बीएसपी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो ग्वालियर चंबल संभाग की है। जौरा सीट से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, अबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेहगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौण, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव मैदान में। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। यहां दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माना जाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करके पूर्व सीएम कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीएसपी ने उसे समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी को 230 सीटों में से महज 2 ही सीटें हासिल हुई। रामबाई और संजीव कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2019 में बसपा पथरिया से पार्टी की विधायक रामबाई को निलंबित कर चुकी है। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब राजनीतिक दल आगे की क्या रणनीति बनाती है ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।